सर्वेभ्यो नमो नमः। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का। आज की यह वीडियो बहुत ही विशेष हमारी होने वाली है। जो भी हमारे साथी संस्कृत विषय को लेके पूर्व मध्यमा या शास्त्री कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अवश्य अन्य अपने साथियों को शेयर करें। कोई अध्यापक देख रहे हैं तो अपने अपने छात्रों को इस वीडियो को देख के आप उनको बताएं यह जानकारी, क्योंकि तो काफी इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण। मैं यहाँ पर संस्कृत छात्रों के लिए बात करने वाला हूँ। आप देख पा रहे हैं संस्कृत छात्राणां कृते वृत्ति प्राप्ते अवसर आहा, और पोस्ट की संख्या है 48,000 है, और योग्यता में पूर्व मध्यमा एवं शास्त्री। तो अभी मैं सब विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। देखिए, कोई भी विषय आपको वृत्ति नहीं दे सकता है। आप हिंदी को लेके आगे अध्ययन करें, आप ज्योग्राफी को लेके अध्ययन करें, साइंस को लेके अध्ययन करें, संस्कृत को लेके अध्ययन करें, तो वो कोई भी विषय आपको वृत्ति नहीं देगा। उस विषय को पढ़ना है आपने, उस विषय में कौशलता आपने प्राप्त करनी है। उस विषय के साथ ही अन्य जो हमारे आधुनिक विषय है, जो प्रतियोगी विषय है, उन सबको भी आपने पढ़ना है। जब आप सबको समावेशित करके आगे चलेंगे तो तभी आप वर्तमान समय में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहां पे बैठ के उनसे लड़ पाएंगे, और अपने के लिए किसी भी संस्था में पोस्ट अपने के लिए आप फिक्स कर पाएंगे। आप उस पद में आप पोस्टित हो जाएंगे, ठीक है, उस पद को आप प्राप्त कर लेंगे। तो उसके लिए आप अगर संस्कृत से अभी पूर्व मध्यमा यानी कि हाई स्कूल आपने कर लिया है या आप शास्त्री कर चुके हैं, तो ये सूचना आप सभी के लिए है। टोटल 48,000 पोस्ट हैं, और क्या आपको करना है वो मैं आपको सूक्ष्म रूप से बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं करना चाहूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत सरकार के द्वारा कर्मचारी चयन आयोग जो कि SSC है, प्रत्येक वर्ष इस संस्थान के द्वारा बहुत सारी भर्तियां निकाली जाती हैं, जिसमें SSC के माध्यम से SSC GD है, SSC CHSL है, SSC CGL है, तो काफी पोस्ट ये प्रत्येक वर्ष निकालता है। तो इसी क्रम में अभी वर्तमान समय में जो पोस्ट आई हुई है वो है SSC GD की। ठीक है, SSC GD क्या होता है वो भी मैं आपको सब अभी बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म की कब से कब तक भरने की डेट है। हाँ, कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPFs, SSF, राइफलमैन GD इन असम राइफल्स एंड सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। हमारे राष्ट्र में जितने भी सशस्त्र सेना बल हैं उसमें SSB है और CRPF है, CAPF है, SSF है, और जितने भी ये NIA है, तो सभी में भर्ती के सभी में आप अगर चयनित होना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए इस एग्जाम को देना होता है। तो 5 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और फीस पेमेंट भी 14 तारीख तक आप कर सकते हैं, नहीं 15 तारीख तक फीस पेमेंट आप कर सकते हैं, और करेक्शन के लिए भी आपकी जो विंडो होगी वो बाद में नवंबर में खुलेगी, लेकिन उसका भी चार्ज आपको लिया जाएगा। इसलिए आप गलत फॉर्म भरे ही ना, और पेपर जो आपका होने वाला है वो जनवरी से फरवरी 2025 में होने वाला है। ठीक है, अब देखिए मैं बात करूंगा विशेषतः इसकी जो योग्यता है। मैं पहले पोस्ट में बात कर ले, टोटल है 39,000 पोस्ट है, 39,000 पोस्ट है इसकी। SSC GD जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्तियां निकाली हुई है, इसमें आप देख सकते हैं BSF की है, CISF की है, CRPF है, SSB है, ITBP है, और AR SSF है, NCB है। टोटल मिला के 39,000 पोस्ट यहाँ पे आई हुई है। जो संस्कृत सभी आप जितने भी लोग संस्कृत विषय को लेके अध्ययन कर रहे हैं, आप सबके लिए भी है। सबके लिए मतलब केवल आपके लिए नहीं, और जितने भी मान ली संस्कृत के साथ हिंदी और अन्य विषय वाले हैं उनके लिए तो है ही है, आप लोगों के लिए भी है। मेन क्या होता है, संस्कृत के जो छात्र होते हैं, जानकारी या सूचना के अभाव में वो लोग फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं या फिर इस क्षेत्र की ओर आगे नहीं बढ़ते हैं। उनको लगता है कि मैं मैथ्स नहीं पढ़ाऊं, मैं साइंस नहीं पढ़ाऊं तो मेरे लिए कठिन हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जो सिलेबस होता है, अभी आपको मैं सिलेबस के बारे में ही बता देता हूँ। जो सिलेबस होता है, आप अगर इस सिलेबस को एक बार तैयार कर लेते हैं, जितना ये सिलेबस है ना, जितनी भी SSC के एग्जाम्स हैं, सेम सिलेबस हर एग्जाम्स में रहता है। और RRB अभी जो दूसरी पोस्ट हमारी रेलवे की है, वहां पे भी सेम सिलेबस है, बस थोड़ा सा कम या ज्यादा हो सकता है, बट सिलेबस आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है,
बस एक बार आपको अच्छे से तैयार करना है, और तैयारी जो हिंदी, अगर कोई हिंदी से स्नातक कर रहा है या कोई पीसीएम लेके हाई स्कूल कर रहा है, 12th किसने किया हुआ है, किसने पीसीबी से किया हुआ है, कोई आर्ट्स ग्रुप वाला है, आप संस्कृत वाले हैं तो सब्जेक्ट का समानता ही है, हो सकता है उन्होंने थोड़ा ज्यादा पढ़ा हुआ है, आप उस विषय को आधुनिक विषय को नहीं पढ़े हुए, लेकिन समय आपके पास है, 4 से 5 महीने का समय आपके पास रहता है तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 100 रुपये मात्र इसका एग्जाम फीस है, आप 100 रुपये फीस पेमेंट करके इसके फॉर्म को भर के आप एग्जाम दे सकते हैं, और सिलेबस वगैरह भी अभी आपको मैं बाद में सेंड कर दूंगा, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे आपको डाल दूंगा, और कंप्यूटर बेस्ड आपका यहाँ एग्जाम होना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, पार्ट ए पार्ट बी टोटल इसमें सब दिया हुआ है, इसको मैं आपको टोटल अभी विस्तृत नहीं बताऊंगा क्योंकि काफी लंबी यह वीडियो हो जाएगी। टोटल क्वेश्चन आपके 80 रहेंगे, जिसमें पैटर्न देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन आ रहेंगे, इंग्लिश में भी होंगे हिंदी में भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं इंग्लिश में दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको, हिंदी में तो हिंदी में। टोटल 20 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के रहेंगे, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स के हैं सामान्य मैथ्स होगी, मतलब 10th लेवल की मैथ्स होगी, 20 क्वेश्चन होंगे, और हिंदी या इंग्लिश, आप हिंदी या इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से रहेंगे। तो देखिए आप अगर तैयारी करेंगे तो ये इतना बड़ा कोई भी चीज नहीं, आराम से आप इसको देख सकते हैं तैयारी, आप 4 से 5 महीने अभी आपके पास है, आराम से इसकी आप तैयारी कर सकते हैं, और आप इस समय क्लासेस काफी आप कोर्स वगैरह ले सकते हैं, आप मान लीजिए अभी जो भी क्लास में आप अध्ययन कर रहे हैं उसके साथ में इसकी तैयारी कर सकते हैं, आप शास्त्री कर रहे हो या आपने उत्तर मध्यमा में आप आ चुके हैं तो तब भी आप तैयारी कर सकते हैं। और मैं निवेदन करूंगा जितने भी हमारे अध्यापक लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वह अपने छात्रों से अवश्य तैयारी करवाएं, क्योंकि क्या होता है जानकारी के अभाव में ना अध्यापक इस ओर ध्यान देते हैं ना ही छात्र ध्यान देते हैं, वो सोचते हैं हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हम अध्यापक बनना है, हम धर्मगुरु में जाएंगे या हम पौरोहित्य कार्य करेंगे, देवज्ञ का कार्य करेंगे, कथा इत्यादि करेंगे, तो कुछ सीमित वहां पे वो लेके आगे चल रहे होते हैं, पर यह जो है कि इनको जानकारी नहीं होती कि हम यहाँ पे भी जा सकते हैं, सशस्त्र सीमा बल में हर कोई जा सकता है। अभी आपको मैं इसकी एलिजिबिलिटी दिखा देता हूँ, जो क्राइटेरिया है आपके पास होना, और फिजिकल होगा वो आपका नहीं सभी का फिजिकल होगा, क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे सभी से वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आपसे कठिन पूछा जाएगा सबके साथ सेम होगा, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, और मेहनत करेंगे तो आपको पोस्ट भी मिल जाएगी, आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में आप सिलेक्टेड हो जाएंगे, तो बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है। यहाँ पे ये देखिए अब देख सकते हैं आप क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, किसी भी बोर्ड से आप क्लास 10th होने चाहिए एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। ये इसकी है एलिजिबिलिटी, यानी कि योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए, कहीं से भी आप हो, ऐसा नहीं लिखा है कि आप संस्कृत से 10th हो, आप इंग्लिश से हो, आप हिंदी से हो, विषय कोई यहाँ पे नहीं लिया जाता है, कहीं से भी हो आप 10th क्लास आपने पास होनी चाहिए एसएससी जीडी की, जो 39,000 पोस्ट है उसके लिए, 39,000 पोस्ट है। देखिए मात्र तैयारी आपको करनी है, 4 से 5 महीना आप अच्छे से तैयारी करते हैं, फिजिकल भी होता है वो सभी के साथ में होगा, आप अगर इस और आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर और छात्रों से ज्यादा योग्यता है, और आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं, ध्यान आप अच्छे से उसमें दे सकते हैं अपने सिलेबस में, सिलेबस सभी के लिए सेम है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। पहली पोस्ट तो ये रही जो कि 39,000 टोटल है, इसके बाद जो दूसरी पोस्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये है रेलवे की भर्ती, क्योंकि जो रेलवे की भर्ती है संस्कृत वाले में अधिकांश, मेरा जो वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि वो लोग सोचते हैं कि हमारे लिए भर्ती नहीं है, देखिए भर्ती आपके लिए है, बस तैयारी आपको करनी है, आप तैयारी अगर आप पहले ही अपना आत्मविश्वास खो देंगे तो नहीं कर पाएंगे, इसमें तैयारी आपको करनी होगी। सिलेबस सबके लिए सेम है, इसकी डेट भी आपको बता दे रहा हूँ, 13 सितंबर से लेके आपके पास 14 अक्टूबर तक का समय है फॉर्म फिलअप करने का, फीस पेमेंट करने का, 1 महीने का समय आपको दिया गया है। और यहाँ पे जो पोस्ट आई हुई है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर स्टेशन मास्टर की है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, तो ये इतनी पोस्ट यहाँ पे है, इतने पद में है। अब पद कितने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल ऑफ वैकेंसी एट अ ग्लांस, तो देखिए टोटल 8,113 पोस्ट यहाँ पे आई हुई है रेलवे की, ये मैं अभी आपको बता ही दिया हूँ। और पे लेवल भी देखिए 35,000 से आपका स्टार्ट होगा, और जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं वो सब आपको दी जाएंगी,
एसएससी जीडी में भी आपको मिलेंगी, रेलवे में भी आपको मिलेंगी, ठीक है। ये आपका पे लेवल है और ग्रेड आपका है, मेडिकल वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा, बस आपको तैयारी करनी है। और एज भी देखिए 18 साल से लेके 33 साल तक आपके पास एज दी गई है, 18 के आप हैं, 18 से लेके 33 साल तक अगर आप हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और साथ में एसएससी जीडी का जो फॉर्म अभी आपको बताया था ऊपर, वहां पे भी 17.5 साल से 21 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं एसएससी जीडी के लिए। इसकी भी मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ और सिलेबस इत्यादि का आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पीडीएफ में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप कहीं से भी हो, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपने पढ़ा हो, या आप एलबीएस से पढ़ रहे हो, या तिरुपति से पढ़ रहे हो, कोई भी संस्कृत संस्थान से आप अध्ययन कर रहे हो, आप सभी के लिए है। बस तैयारी आपको करनी है, तैयारी आप करेंगे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। आप सिलेबस सबके लिए सेम है, मैं आपको काफी बार बोल दिया हूँ, एक बार देख लेंगे तो आराम से आप कर लेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी भी आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पे लेवल भी लिखा हुआ है और पोस्ट का नाम लिखा हुआ है और डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इससे इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये आपको मैं यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे दिखेगा, टोटल 8113 पोस्ट है रेलवे की, जिसमें ये आपको पोस्ट का नेम लिखा हुआ है, ये पोस्ट कितनी है, कौन सी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए वो लिखा हुआ है। तो देखिए ये जो तीन पोस्ट है इनके लिए आपके पास बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, किसी भी विश्वविद्यालय से आपने स्नातक किया होना चाहिए। यहाँ पे नहीं लिखा कि आप संस्कृत से कर रहे हो, आप हिंदी से कर रहे हो, आप ज्योग्राफी से हो, आप साइंस से हो, आपने बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है। कहीं से भी आपका स्नातक होना चाहिए, बस एक ही आपके रूल्स और रेगुलेशन है, ये आप सब फॉर्म भर सकते हैं जितने भी शास्त्री कर चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने भी शास्त्री कर लिया है वो हर कोई इनके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और देखिये जो नीचे की दो पोस्ट है वहां पे क्या है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, कहीं से भी आपने स्नातक होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप किसी भी विश्वविद्यालय से हो, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से हो, एलबीएस से हो, तिरुपति से हो, या जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय से हो, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से हो, कोई नियम यहाँ पे निर्धारित नहीं है। पर साथ में आप यहाँ पे एक जो टाइपिंग टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग, तो ये भी टेस्ट यहाँ पे होगा, तो इसको भी आप कर सकते हैं, थोड़ा मेहनत आपको करनी होगी और सिलेबस आपको जो है वो देखना होगा। तो ये चीजें थी इस वीडियो में जानकारी मैं आपको देना चाहता था। तो अब मेरा एक निवेदन है, जितने भी लोगों ने यह वीडियो देखी आप अवश्य तैयारी करें, अवश्य फॉर्म फिलअप करें। और देखिए सिलेबस सबका सेम है, आप बुक ले लीजिए या यूट्यूब में अभी प्रेजेंट में कोर्सेज भी आपको मिल जाते हैं, फ्री में भी क्लासेस मिल जाती हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और अपने से जो आपके घर में आपसे बड़े हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में आप सलाह ले सकते हैं, नहीं तो अपने विश्वविद्यालय में जो आपके अध्यापक हैं उनसे आप बात कीजिए, वो भी आपका सभी सहयोग करेंगे। तो मेन मेरा उद्देश्य था संस्कृत छात्रों के लिए। तो हमेशा हर पोस्ट में यही नियम होता है, आप यहाँ पे 10th पास हो किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप संस्कृत से हो, या ऐसा नहीं लिखा जाता संस्कृत से है तो आपको नहीं भर सकते। और दूसरा स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन आप कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बस वो भारत सरकार के द्वारा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो यही मेरा आज की इस वीडियो में जो 40,000 पोस्ट हैं उनपे या वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव था। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, आगे भी ऐसी जानकारी के लिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ बने रहें। और आपने तो वीडियो देखी ही होगी आशा करता हूँ, यहाँ तक अगर आप आए हैं तो अपने अन्य मित्रों को भी अवश्य शेयर करें इसी तरह। और कोई भी आपकी समस्या है, शंका है, अवश्य कमेंट में आप लिखें, मैं अवश्य आपकी पूरी हेल्प करूंगा जितना भी मेरे से हो सकता है। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।